गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, असी अज साहित्यिक रंग बुक विचों पार नंबर 3 दुध ते पुत कहानी पढ़ांगे। इस कहानी दे कहानीकार बचिंत कौर जी हन। बचिंत कौर दा नाम पंजाबी कहानी खेतर विच बड़े माण नाल लिया जांदा है। दुध ते पुत कहानी विच कहानीकार ने बजुर्ग पात्र बारू बाबे दी दुख भरी कहानी बयान कीती है। बारू बाबे दे 5 पुत्र सन। बारू दी घरवाली मर चुकी है। उस दी पत्नी दे मरण तो बाद उस दे पुत्रां ने मां दे भोग तो बाद इकट्ठिया मिल के ये फैसला किया कि वह 3-3 महीने बापू नूं आपो अपने घर विच रख के उसकी देखभाल करनगे। बजुर्ग पात्र दा मन अपने घर दे इको पुत्र करताले कोल रहण नूं करदा है। उस दी इक नूं नूं छड के बाकी दीआं नूहां बारू नूं गल गल उत्ते ताने मीणे मारदीआं रहिंदीआं हन। दूसरे पासे बारू दा भरा बड़े ही सुख आराम नाल रहिंदा है। उस दा इको एक पुत्र है जो बहुत ही आज्ञाकार है। बजुर्ग बारू अपनी 80 सालां दी उम्र नूं कोसदा है कि समा बहुत बदल गया है। घरवाली दे मरण तो बाद उस दी किन्नी बेकदरी हो रही है। उस नूं अपनी घरवाली दी याद आउंदी है जो अपने पुत्रां उप्पर बहुत माण करदी सी। अंत विच कहानीकार बचिंत कौर अपनी इस कहानी राही इह सुनेहा देना चाहुंदी है कि माता पिता अपने बच्चों नूं कदे बोझ नहीं समझते, पर उही बच्चे अपने माता पिता नूं बोझ समझते हैं अते रोटी की खातर बाप की वंड कर लेंदे हन। पिता नूं थां थां धक्के खाण लई मजबूर कर देंदे हन। इस करके ही कहानी के अंत विच वारू बाबा सोचता है कि दुध अते पुत फिटण लग्या देर नहीं लगती। कहानीकार अजिहे समाज उपर तिखा व्यंग करती है कि जिस विच बच्चे मापिया नूं बोझ समझते हैं अते उन्हां नूं वडेरी उम्र विच रुलण लई मजबूर कर देंदे हन। बच्चियो, मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। हुण तुसी इस पाठ नाल रिलेटड वर्कशीट अपनी कापी ते सुंदर लिखाई विच करनी है। धन्यवाद।